हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन 15, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 140। द वुड कटर रिप्लाइड, इट इज टू कोल्ड, माय हैंड्स आर फ्रोजन, सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप अ लिटिल, देन व्हेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाय ब्लोइंग। मिया बलिस्तीन नोडेड। Oh, so that's it. And with that, he moved off, but he stayed nearby and kept a close watch on him. Soon it was afternoon. The woodcutter began to think of lunch. He picked up two stones and made a chulha. He lit a fire and put a small handi, a pot, filled with potatoes to boil. The wood was damp. So the woodcutter bent down and blew on the fire to help it burn. Balistiye was watching him from a distance. Are, he said to himself, there he goes again, blowing from his mouth. Does fire come out of his mouth? The woodcutter was feeling very hungry. He took out a potato from the handi. He tried to eat, but the potato was too hot. He again began to blow on it. Foo, foo. Are, said Balistiye to himself, he's blowing again. Now what? Is he going to burn the potato? After blowing a few more foo-foos on it, the woodcutter put it in his mouth and began to eat it. तो कल के वीडियो में हमने वुड कटर और मियां बलिस्तीये के बीच की कन्वर्सेशन देखी, सुनी, है ना। तो वही मियां बलिस्तीये वुड कटर से क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने हाथों में फूंक क्यों रहे हैं, आप अपने हाथों को हवा क्यों दे रहे हैं। तो वुड कटर का अब रिप्लाई देखे। वुड कटर बोलता है कि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है ना, इट इज टू कोल्ड, ठंड बहुत है, और मेरे जो हाथ है वो क्या हो रहे हैं, फ्रोजन मीन्स जम रहे हैं। तो मैं अपने हाथों को गर्म करने के लिए, थोड़ा बहुत गर्म करने के लिए उसमें फूंक मार रहा हूँ, ब्लो कर रहा हूँ, है ना। और उसके बाद फिर जब मेरे हाथ कोल्ड होंगे, ठंडे होंगे, तो मैं अगेन उसे गर्म करने के लिए ब्लो करूंगा माउथ से, है ना, मुंह से फूंक मारूंगा, तो मेरे हाथ फिर से गर्म होंगे। तो मियां बलिस्तीये जो था इस चीज से सहमत हो गया। नोडेड मीन्स होता है सिर हिलाकर सहमति प्रदान करना, है ना। तो कहता है ओहो, मतलब ये बात थी, ठीक है। उसके बाद मियां बलिस्तीये जो है वो दूर चले जाते हैं। देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, वहां से वो वापस चला जाता है, पर ज्यादा दूर नहीं जाता है, ऐसी जगह पे चला जाता है थोड़ी दूर पे, ताकि वो वहां से वुड कटर को वॉच कर सके, ठीक है। तो बहुत जल्दी अब दोपहर हो जाती है ना। वुड कटर जो था अब लंच के बारे में सोचने लगता है कि अब खाने का टाइम हो गया है। तो वो क्या करता है, टू स्टोन्स लेता है, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए टू स्टोन्स उसने लिए, उसके बीच में वुड्स पुट करी, और उसके बाद उसमें, मतलब टू स्टोन्स लेकर छोटा सा चूल्हा बनाया, उसके बाद उसमें उसने आग लगाई, ठीक है। आग के ऊपर उसने छोटी सी हांडी रखी, हांडी मीन्स होता पॉट, एक बर्तन, ठीक है, और उसमें पोटैटो भर दिए और पानी भर दिया, ठीक है, उसको उबालने के लिए। अब जो लकड़ियां थी, वुड जो थी वो डैम्प थी, मींस गीली थी, है ना, तो वो बार बार बुझ जा रही थी, जल नहीं पा रही थी। तो वुड कटर झुक कर क्या कर रहा था, उसमें फूंक मार रहा था, आप देख सकते हैं, देखिए झुक कर वो वहां पर बार बार फूंक मार रहा था उसे जलाने के लिए। ज्यादातर आग में अपन फूंक ही मारते हैं ना, आग को जलाने के लिए, अगर वो बुझती है तो, ठीक है। तो बलिस्तीये, मियां बलिस्तीये जो थे वो दूर से ये सारी चीजें देख रहे थे। अब वो फिर कहता है अरे, और खुद से बोलता है कि ये तो फिर से फूंक रहा है ना, फिर से वुड कटर ब्लो कर रहा है अपने माउथ से, क्या उसके मुंह से आग निकल रही है। तो वुड कटर जो था वो बहुत हंग्री महसूस कर रहा था, बहुत ज्यादा भूखा महसूस कर रहा था, तो उसने क्या किया, उस हांडी में से एक पोटैटो निकाला और उसको खाने की कोशिश करी, लेकिन पोटैटो जो था वो बहुत गर्म था, है ना,
ये देखें आप, सी खाने की कोशिश कर रहा है पोटैटो, और ये देख रहे हैं मियाँ बरसती है। तो वो खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पोटैटो बहुत ज्यादा गर्म था, तो वुड कटर ने फिर से उस पर फूक मारी, फिर ब्लो किया उसने, ठीक फू फू करके, है ना, फूकने की जो आवाज होती है वैसा उसने किया। तो मियाँ बरसती है फिर बोलते हैं, अरे ये फिर से फूक रहा है, अब क्या ये आलू को जलाना चाहता है? मतलब ये कि आलू तो ऑलरेडी गर्म है, तो फूंक मारकर उसको और जलाना चाहता है। उसके बाद वुड कटर जो था उसको फूंक कर अपने माउथ में रख लिया, मुंह में रख लिया और उसको खाने लगा। ठीक, तो मियाँ बलिस्ती फिर कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो इनकी कंफ्यूजन हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। ओके।